हाँ जी, राम राम जी। भारतवासियों के लिए भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी निकाली है। इसके अंदर फायरमैन की वैकेंसी है, इसके अंदर एमटीएस की वैकेंसी है, इसके अंदर कुक की वैकेंसी है, इसके अंदर ड्राफ्ट्समैन की वैकेंसी है, इसके अंदर चार्जमैन की वैकेंसी है, इसके अंदर ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, इसके अलावा और भी अन्य पद हैं। ये भर्ती सरकारी नौकरी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो दोस्तों आज से इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गई हैं। समय बहुत कम दिया है फॉर्म भरने का, फॉर्म आपको ऑनलाइन भरने हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए, पूरे भारत में कोई भी कहीं से भी हो इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसी है। दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं कि किस योग्यता पे भर्ती निकली है, क्या एज क्राइटेरिया है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कब क्या कुछ होने वाला है, पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। सैलरी कितनी मिलेगी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी सरकारी नौकरी की तलाश खत्म कर सकती है या आपको हेल्प दे सकती है अपने सपने को साकार करने के लिए। दोस्तों देखिए, आपके सपने इतने बड़े बड़े, जो आपने सरकारी नौकरी के सपने को संजोया हुआ है, उस सपने को साकार करने में मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बदले में केवल आपसे इतना मांग रहा हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे, तो इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि भारत के अंदर नई सरकारी नौकरी आ गई है। और दोस्तों सिलेक्शन कैसे होगा ये भी बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो दोस्तों भारत के अंदर ढेर सारी भर्तियां पहले भी आई हैं, आगे भी आएंगी, उनकी जानकारी भी आप तक पहुंचाता रहूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, अच्छे से। इंडियन नेवी के अंदर ये भर्ती निकली है, इंडियन नेवी के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के माध्यम से इंडियन नेवी में ये भर्ती निकली है। इसको आप कई जगह पे INSET 1/2024 ये भी आपको लिखा मिलेगा। ये एक कॉमन टेस्ट ले रहे हैं, उसको इनसेट बोल रखा है, ठीक है। और इंडिया का कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। यहाँ पे ग्रुप बी की वैकेंसी भी है और ग्रुप सी की वैकेंसी भी है। कौन कौन सी वैकेंसी है डायरेक्ट अब मैं आपको उस पेज के ऊपर लेके चल रहा हूं। पहले यहां पर देखिए, चार्जमैन की वैकेंसी है, 18 से 25 साल एज लिमिट मांगी गई है, ठीक है। चार्जमैन फैक्ट्री की भी है, चार्जमैन मैकेनिक की 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, साइंटिफिक असिस्टेंट की 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 18 से 25 साल, फायरमैन की 18 से 27 साल, फायर इंजन ड्राइवर की 18 से 27 साल, ट्रेड्समैन मेट की, पेस्ट कंट्रोल वर्कर की, कुक की, एमटीएस की 18 से 25 साल। एज में जो छूट होती है दोस्तों नियमानुसार कैटेगरी वाइज, वो छूट आपको अलग से है। आपकी एज कितनी है एक बार वीडियो को रोकिए, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए कि आपकी एज कितनी है, ताकि आपकी एज के अनुसार जब भी भर्ती आए तो मैं वो भर्ती भी आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो यहाँ पे वैकेंसी देख ली आपने, एमटीएस की है, कुक की है, पेस्ट कंट्रोल की है, ट्रेड्समैन मेट की है, फायर इंजन ड्राइवर की है, फायरमैन की है, ड्राफ्ट्समैन की है, साइंटिफिक असिस्टेंट की है, चार्जमैन की है। ये भिन्न भिन्न प्रकार की वैकेंसी आपके लिए यहाँ पे दोस्तों इंडियन नेवी के अंदर निकली है। कुछ वैकेंसी ग्रुप बी की है, कुछ वैकेंसी ग्रुप सी की है, ठीक है, नॉन गैजेटेड टाइप की वैकेंसी है, ठीक है जी। देख लेते हैं जी, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। यहां पर देखिए, जो ग्रुप बी की वैकेंसी है वो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए पे इसके लिए यहां पे रहने वाला है। ये वैकेंसी है ग्रुप बी की और यहां पे टोटल पोस्ट बता रखी है, ठीक है। उसके बाद में ग्रुप सी की वैकेंसी है, 25,500 से लेके 81,100 रुपए यहां पे पोस्ट बता रखी है। ये रही ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की। फायरमैन की वैकेंसी है ग्रुप सी की है, 19,900 से लेकर 63,200 रुपए यहाँ पे। किस कमांड के अंदर कितनी कितनी वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है दोस्तों, इससे अच्छा मौका आपकी जिंदगी में नहीं आ सकता, बता देता हूं आज, ठीक है। यहाँ पे फायरमैन की वैकेंसी देखिए, 444 वैकेंसी अकेले फायरमैन की है, 444 वैकेंसी अकेले फायरमैन की है। आगे चलिए, फायर इंजन ड्राइवर की 21,700 से लेकर 69,100 रुपए,
ठीक है, 58 वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट की 161 वैकेंसी है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर की 18 वैकेंसी है। कुक की 9 वैकेंसी है, सॉरी 16 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से देख सकते हैं कितनी कितनी वैकेंसी है। फायरमैन की 444 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जबरदस्त मौका है आपके लिए, ठीक है ना। आगे चलिएगा, अब एक एक करके इनकी जो योग्यता है उनके ऊपर हम विचार कर लेते हैं। एज मैंने आपको बताई दी है, एज का क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ आपको अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चार्जमैन, ठीक है, चार्जमैन के लिए क्या बताया गया है, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। जिन्होंने बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री कर रखी है वो बच्चा इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है, या फिर किसी ने डिप्लोमा कर रखा है केमिकल इंजीनियरिंग में तो भी चार्जमैन की इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। सेम चार्ज मैन्युफैक्चरिंग का भी वही है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है वो वाले वैलिड हैं। चार्जमैन मैकेनिक में जिसने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी है। साइंटिफिक असिस्टेंट में बीएससी डिग्री जिन्होंने कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है, ठीक है जी। आगे चलिएगा, ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन, 10वीं पास हो, साथ में 2 साल का आईटीआई का कोर्स हो आपके पास में ड्राफ्ट्समैन का, या फिर 3 साल की आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फायरमैन में, जी हाँ, फायरमैन इस भर्ती के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है दोस्तों, फायरमैन बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। तो फायरमैन की बात कर लेते हैं, फायरमैन में क्या है, 12वीं पास होना चाहिए। पहली बात तो ये है, फायरमैन के पद के लिए 12वीं पास होना चाहिए। उसके बाद में एलिमेंट्री और बेसिक और ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपने बेसिक फायर फाइटिंग कोर्स का रखा है, एलिमेंट्री फायर फाइटिंग कोर्स का रखा है, तो आप इस भर्ती के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाली चीज आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड है वो आपका जबरदस्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फुलाव के बाद 85 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। आई साइट आपकी 6x6 होनी चाहिए, नॉर्मल विजन, ठीक है जी। यहाँ पे 3 मीटर का रोप के ऊपर चढ़ने का वो प्रोसेस आपका, क्लियरिंग है 2.7 मीटर की, ठीक है। और कैरिंग ए पर्सन, एक पर्सन को उठा के फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 किलोग्राम टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर 96 सेकंड में, आपको इतने डिस्टेंस एक बंदे को आपको लेके जाना है, ठीक है जी। ये आपका क्या रहेगा, मामला रहेगा, ठीक है जी। फायर इंजन ड्राइवर 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। ऊपर वाले में फायरमैन में तो क्या था, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन इसके अंदर फायर इंजन ड्राइवर है ना, इसके अंदर 12वीं के साथ हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस जरूरी है, ठीक है जी। आपका फिर यहां पे बता दिया है हाइट कितनी चाहिए है और चेस्ट कितनी चाहिए, वेट कितना चाहिए है। ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है 10वीं पास के लिए दोस्तों, आपके पास क्या होना चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए रिलेटेड ट्रेड में, ठीक है। आईटीआई में कौन सी ट्रेड है उसकी लिस्ट मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। पेस्ट कंट्रोल वर्कर 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, और हिंदी या इंग्लिश की, आपको हिंदी और आपके जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। कुक की वैकेंसी है 10वीं पास होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुकिंग का, मल्टी टास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई पास होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आपकी ये विभिन्न प्रकार की जो वैकेंसी है ये निकली है दोस्तों, आपने वैकेंसी देख ली है, योग्यता देख ली है, एज का क्राइटेरिया देख लिया है। अब बात आती है भाई क्वालिफिकेशन, एक मिनट है, फीस कितनी लगेगी, तो फीस भी बता देंगे आपको आगे। ट्रेड्समैन मेट में आपको ये काम करना पड़ेगा, पेस्ट कंट्रोल में ये काम करना पड़ेगा, कुक में ये काम करना पड़ेगा,
हाँ जी, अब बात आती है एज जो आपने ऊपर देखी थी उसमें छूट कितनी है। एससी एसटी को 5 साल की छूट है और ओबीसी को 3 साल की छूट है, ठीक है। यहाँ पे ईएसएम वगैरह है, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह है, उनकी एज भी बता रखी है, उनको कितनी छूट यहाँ पे दी जाएगी। अब बात आती है एग्जामिनेशन फीस की, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 295 रुपये फीस लगेगी। किसकी लगेगी? आपकी जनरल कैटेगरी की और ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यू एस कैटेगरी की। किसी भी कैटेगरी की फीमेल है उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। एससी एसटी है, फिजिकल हैंडीकैप है, एक्सट्रीशमैन है, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। फीस भी आपको ऑनलाइन जमा करवानी है और आपको फॉर्म भी ऑनलाइन ही अपना सबमिट कराना है। आप कहीं सोचो भाई डॉक्यूमेंट भेजना है, वो प्रोसेस नहीं है, आपको इंटरनेट से ही फॉर्म भरना कंप्यूटर से, ठीक है जी। पूरे इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर रहेंगे और आपको 3 चॉइस, जब आप फॉर्म भरोगे आपको अपनी चॉइस बतानी पड़ेगी कि आपको एग्जाम कहाँ पे देना है। इस भर्ती में सिलेक्शन कब होगा? आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका स्किल टेस्ट और उसके बाद में आपका डीवी, ये प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एक बच्चा 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, 3 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, उसको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा, ठीक है जी, और अलग अलग ही फीस जमा करवानी पड़ेगी। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा वो देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों इतने जबरदस्त तरीके से, इतनी जबरदस्त नौकरी के बारे में बता रहा हूं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार ये तो पाप कर रहे हो ना। इस वीडियो को अभी लाइक कर दो यार और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना यार। इतनी अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इतने अच्छे से कर रहा हूं, ये देखिए ना। तो सिलेक्शन क्या होगा, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, पहले तो आपके जो फॉर्म को है, जो आप फॉर्म भरोगे उसमें से छटनी की जाएगी आपके फॉर्मों की। इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल स्क्रूटनी ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन टू अलाउ कैंडिडेट टू अपियर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। मेयरफुली फुलफिलिंग द बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली एंटेल ए पर्सन एप्लीकेंट टू बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन टेस्ट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा दोस्तों, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। आपका जो पेपर होगा वो कंप्यूटर पर होगा, ठीक है जी। आगे चलेगा, पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहेगा, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, क्लियर है। वाह जी बहुत बढ़िया, आगे चलिएगा। सब्जेक्ट क्या क्या आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस 25% आएंगे, ठीक है जी, 25% आएंगे और 25 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस 25%, 25 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25%, 25 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज 25%, 25 नंबर की। सो 100% आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का मामला रहेगा यहाँ पे, 100% 100 नंबर, ठीक है जी। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, पेपर आपका ऑनलाइन होगा, पेपर में आपका मीडियम जो रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको रहेगा, ठीक है, बायलिंगुअल पेपर आएगा। यहां पे अब चार्जमैन है, उसके अंदर सिलेबस क्या रहेगा वो बता दिया इन्होंने। जनरल अवेयरनेस में क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक रहेंगे, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक रहेंगे वो बता दिया है। फायरमैन के अंदर क्या क्या रहेगा वो बता दिया, फायरमैन और फायर इंजीनियर। जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे टॉपिक बता दिए, ये टॉपिक आपसे पूछेंगे। जनरल अवेयरनेस के अंदर बता दिया, ये टॉपिक आपसे पूछेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बता दिया, ये टॉपिक आपसे पूछेंगे, ठीक है जी। इंग्लिश के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है वो आपसे पूछेंगे, तो ये चीज यहाँ पे दे रखी है। ड्राफ्टमैन के अंदर, ट्रेड्समैन, मेट के अंदर पेस्ट कंट्रोल वर्कर है, एमटीएस है, उसके अंदर कुक की वैकेंसी, उसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस में क्या क्या टॉपिक आएंगे, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक आएंगे, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक आएंगे, वो इन्होंने सिलेबस के टॉपिक भी बता रखे हैं दोस्तों। अब भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। आगे चलिएगा, और इसमें जो आपको एससी का सर्टिफिकेट लगाना है, ओबीसी का लगाना है, ईडब्ल्यू एस का लगाना है, वो आपको सेंटर वाला लगाना है, ठीक है, स्टेट वाला नहीं लगाना। जो आपकी फायरमैन की पोस्ट है, फायर इंजन की ड्राइवर की पोस्ट है, उसके अंदर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, इंड्योरेंस टेस्ट है, वो भी लिया जाएगा जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। डीवी आपकी करवाई जाएगी। यहाँ पे 20 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं,
2 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो। 20 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 2 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हो। समय बहुत कम है, आज अभी इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका फॉर्म भरा होना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका फॉर्म भरा होना चाहिए, देख लेना आप, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी मित्र। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कुछ बताया गया है, बाकी मैंने आपको सारी चीज बताई दी है। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जी, इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो, या जो इनसेट की वेबसाइट है उसके ऊपर भी आप फॉर्म भर सकते हो। हाँ, ट्रेड्समैन मेट के लिए जो आईटीआई मांग रखी है, कारपेंटर हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली हो, ये वाली हो, ये वाली हो, ये सारी ट्रेड बता रखी है, इनमें से आपने कोई भी आईटीआई कर रखी ना, ट्रेड्समैन मेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जी। ठीक है, तो 2 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, एज मैंने बता दी है आपको, तो भाई अब भी कोई समस्या है आपको? हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं जी। अब आपने देखा यहां पे आपके 4 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, क्या है, 4 सब्जेक्ट आपके रहेंगे आपके एग्जाम में, क्या रहेंगे जी, 4 सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेंगे, इनके लिए कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा, कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है इनका। कहां पर उपलब्ध है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, ठीक है, यहां पर आपको इस चीज के लिए कंप्लीट बैच मिल जाएगा, वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपने को साकार करने में KTDT टीम की सहायता ले सकते हैं। क्लियर है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? और फीस इतनी कर देंगे दोस्तों कि आपको यकीन नहीं होगा, ये जो आपको चारों सब्जेक्ट हैं, ये जो बैच आपको मिलेगा रिकॉर्डेड, ये बैच आपको मात्र और मात्र 599 रुपये मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस, क्या बोला मैंने, कंप्लीट सिलेबस, पूरा रिकॉर्डेड बैच KTDT ऐप पे मात्र कितना, 599 रुपये में, और पहले 100 बच्चों को मिलेगा भाई, पहले 100 बच्चों को मिलेगा, उसके बाद में इसकी फीस कितनी हो जाएगी, 999 रुपये हो जाएगी। यदि आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं और आपको अपनी तैयारी करनी है, अपने सपने को साकार करना है, तो दोस्तों आज अभी डेमो देख लीजिए, पसंद आया आपको समझाने का तरीका तो दोस्तों आज ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 2 अगस्त फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मैं आज वीडियो बना रहा हूं, आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपका फॉर्म भरा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी, नहीं तो आपने कसम ला गई। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को आपके गांव के जितने भी ग्रुप है, आपके साथियों के जितने भी ग्रुप है, आपके कॉलेज के ग्रुप है, आपके स्कूल के ग्रुप है, उनके अंदर शेयर जरूर करना है, ताकि उनको भी पता चल जाए, और दोस्तों हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच जाए, और कोई बच्चा, कोई साथी, कोई भाई बहन आपकी वजह से नौकरी लग जाए, यदि आपकी वजह से किसी को नौकरी मिलती है, वो बच्चा जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेगा। और मैं केवल इतना मांग रहा हूं कि भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मुझे हौसला मिले, और आपको फायदा क्या होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लोगे, आपको आगे जो भर्तियों की जानकारी आएगी उनकी वीडियोज भी आपको मिलती रहेगी, इसी तरीके से डिटेल में ही बताता हूं मैं हर बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे आपको बार बार किसी अन्य प्लेटफॉर्म की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो के अंदर ही सब समझा देंगे आपको। धन्यवाद, मिलेंगे दोबारा एक नई भर्ती के साथ, धन्यवाद।